अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कोरोना से जुड़ी हुई। दरअसल कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही और बीते 24 घंटों में 123 मामले सामने आए। जानकारी आपको दे दें कि 9 मरीजों की जान बीते 24 घंटों में गई। मौत का आंकड़ा 3795 के पार। तो कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही और एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात करें तो 1100 के पार। 1100 लोगों का इलाज अभी भी जारी, 137 लोगों की रिकवरी हुई। विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, कोविड की रफ्तार नहीं थम रही, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट है और बीते 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आए प्रशासन की तरफ से क्या कदम अब आगे के लिए उठाए जा रहे हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि एक तो वैक्सीनेशन बहुत अहम रोल जो है वो इसका रहने वाला है और ऐसे में जो तय समय में इसका लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो राज्य के लिए है, क्योंकि ये चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है कि पहली डोज जिन्होंने लगवाई है वो दूसरी डोज लगवाने संपर्क जो है वो स्वास्थ्य केंद्रों से नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो दूसरी डोज लगाने वाले लोग हैं उनको ढूंढा जाए, उनकी लिस्ट निकाली जाए, लिस्ट बनाई जाए और उसके बाद दूसरी डोज जो है वो उनको लगाई जाए। लेकिन इससे बड़ी अहम खबर ये भी है कि जो हिमाचल प्रदेश में अगर हम पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामले तो इतना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं चिंता जरूर जाहिर कर रहा है। ऐसे में बीते कल भी अगर हमने देखा तो 9 लोगों की मौत यहाँ पर हुई है, लेकिन इससे पहले 11 नवंबर को भी 10 लोगों की मौत यहाँ पर हुई थी, लेकिन बीच में आंकड़ा जो है कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। निश्चित रूप से चुनौती बहुत है, कहीं हिमाचल प्रदेश में संक्रमण जो है वो फैल ना जाए और फिर से वही परिस्थितियां जो बंदिशों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश सरकार को या स्वास्थ्य विभाग को ये मजबूर कर देगी कि अब बंदिशें जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगाई जाए, कहीं वो नौबत ना आ जाए। इसको लेकर रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। स्वास्थ्य विभाग के लोग जो है वो आपस में बैठक कर रहे हैं, अधिकारी बैठक कर रहे हैं और अगली जो मुख्यमंत्री की जो अगली बैठक होगी जो मुख्यमंत्री स्वयं लेते हैं सभी डीसी के साथ, एसपी के साथ और सीएमओ के साथ और जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनके जो प्रतिनिधि रहते हैं। ऐसे में आने वाले समय में अब किस तरह से इस चुनौती को निपटना है इस चीज को लेकर जो है वो बैठकों का दौर अंदर भीतर जो है वो स्वास्थ्य विभाग के चल रहा है और चिंता की बात यही है कि जो 4 जिले हैं इन 4 जिलों के अंदर सबसे ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा में सबसे ज्यादा मामले हैं, 378 मामले हैं, हमीरपुर में 206 मामले हैं, ऊना में 129 मामले हैं और वहीं मंडी में 101 जो कोरोना के मरीज हैं वो अभी एक्टिव मरीज हैं। तो ऐसे में जो सैंपलिंग है, अगर सैंपलिंग बढ़ाई जाती है तो उसमें मामले भी जो है उनमें भी इजाफा यहाँ पर निश्चित रूप से होगा। तो अभी बीते कल भी जो सैंपलिंग यहाँ पर ली गई थी कोरोना की तो उसमें 6493 लोग जो है उनकी सैंपलिंग यहाँ पर ली गई थी। निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है और ऐसे में जनता को खुद ही ये समझना होगा कि अगर पूरी तरह से एहतियात बरती जाएगी तो ही संक्रमण से जो है वो बचाव हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एहतियात बरतना बेहद आवश्यक है। विकास, देखिए अब वैक्सीनेशन के टारगेट पर अगर नजर डालें तो 15 दिन शेष रहते हैं क्योंकि नवंबर में कहा गया था कि सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। जानना आपसे ये चाहेंगे कि क्या मुख्य कारण हो सकता है कि लोग अब इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क नहीं कर रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात यही थी कि अब जिस तरह से ये देखा गया कि पिछले 2 महीने से लगातार अब कोरोना संक्रमण की खबरें जो है वो कम आ रही थी, लोग जो है वो इसकी जद में कम आ रहे थे। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर ना के बराबर जो है वो संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में लोगों को ये लगता है कि अब कोई चुनौती नहीं है, हिमाचल प्रदेश में कोरोना जो है वो नहीं है, लेकिन ये जनता टीवी की भी यही अपील रहेगी कि कोरोना भी गया नहीं है और ऐसे में खुद संभल कर रहने की बहुत जरूरत है। जो भी बाहरी राज्यों से लोग आते हैं अभी भी एहतियात जो है वो यहाँ पर बरते हैं क्योंकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश यही है कि राज्य में आने पर आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जो है वो करना ही होगा और सख्ती से पालन करने के लिए एक तरफ जहाँ टूरिज्म विभाग यानी कि पर्यटन विभाग जो है वो एहतियात बरतने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर चुका है, वहीं टीमें जो है वो अलग अलग जाकर होटलों में, होम स्टे में, रेस्टोरेंट में या बड़े ऐसे जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको समझा रही है और जो दबिश जो है वो वहां पर दी जा रही है कि क्या वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि बॉर्डर तो खुले हैं और बॉर्डर पर सबको आने जाने की छूट है। तो ऐसे में बंदिशें जो है वो नहीं है,
लेकिन आने वाले दिनों में ये बंदिशें कहीं बढ़ ना जाएं। और दूसरी जो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन पर भी सीधे तौर पर अब राज्य सरकार ने 30 नवंबर का लक्ष्य रखा है जी। इस लक्ष्य को किस तरह से हासिल किया जाना है, बीते दिनों भी मुख्यमंत्री ने सभी जो सीएमओज हैं डीसीज हैं सभी के साथ ये बैठक की और ये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को साथ लेकर चलना होगा, ग्रामीण सभी को साथ लेकर चलना होगा और लोगों को भी समझने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। विकास शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें बीते 24 घंटों में केसेस जो सामने आए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले, क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो उनके कंपैरिजन में हिमाचल में केसेस ज्यादा है।